चलिए देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर की है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले पूछ सकता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल क्या आएगा। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, ऊंचाई मतलब h पूछ सकता है, ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तीसरा इसका क्या परिमाप पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर। चौथा क्या पूछ सकता है कि स्मॉल r पूछ सकता है, अंतर्वृत्त त्रिज्या क्या होगी। पांचवा पूछ सकता है कि बाह्य त्रिज्या या परिवृत्त त्रिज्या, कैपिटल R क्या होगी, ठीक। छठवां पूछ लेगा आपसे कि इनका अनुपात क्या होता है, अनुपात त्रिज्या करने के बाद। ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब ये समबाहु त्रिभुज दिया है 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज इसलिए सब 6 हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब एक बार फॉर्मूला देखिए, हमने आपको लिखवाया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 गुणे ए स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। और ये थे और लिखवाया था मैंने एच स्क्वायर बटे रूट 3, ये भी होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, अभी लिखवाया, इसके पहले हमने बताया है, ठीक। देखिए दूसरा क्या, हमने परिमाप बताया है, परिमाप क्या, 3 गुणे भुजा, किसका, समबाहु त्रिभुज का, ठीक। तीसरा हमने बताया क्या, ये बच्चा चलिए, हाँ, एच ऊंचाई, एच बराबर हमने बताया है, एच बराबर हमने बताया क्या, रूट 3/2 गुणे, ये सब समबाहु त्रिभुज होते हैं। फिर चौथा, चौथा हमने आर बराबर बताया कि आर बराबर होता है भुजा, भुजा 2√3, ये फार्मूला होता है। फिर पांचवा में फार्म होता है कैपिटल आर बराबर होता है भुजा 2√3, ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला आपको क्लियर रहेगा, क्वेश्चन धड़ाके से लग जाएगा। सेकंडो देखिए कैसे लगा रहा हूँ। तो पहला डालेंगे हाल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहला मैं सॉल्व करता हूँ, क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल कहेंगे सिंस क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 गुणे ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका ए बराबर भुजा बराबर, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा इसी को हम ए माने थे, ये क्या है, भुजा है ना। यहाँ साल करिए, देखिए साल कर दीजिए, आपको हो जाएगा √3/4 गुणे 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। अब √3/4 गुणे 36 हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन 4 से एक कट जाएगी, 4 है, अब 4 से 4 एक कट जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 गुणे √3 आ जाएगा, 9√3। अब ध्यान देना है कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे कब, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना, नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्षेत्र, क्या आ गया, चलिए दूसरा निकालता हूँ ऊंचाई, दूसरा ऊंचाई। अब बताओ h बराबर क्या, हमने बताया है h बराबर √3/2 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है भुजा, ठीक ना। अब भुजा कितना, 6 है, रख के सॉल्व कर दो, हो गया आंसर √3/2 गुणे 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 कट गया 3/√3। अरे भैया √3 × 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3√3 आएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल की बात नहीं किया है, इसीलिए लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर। जब क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, आयतन कहेगा तो क्यूब लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी कहेगा तो हम स्क्वायर और क्यूब नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं परिमाप, तीसरा परिमाप, परिमाप, परिमाप बताइए क्या, 3/भुजा आ गया 3/6 बराबर कितना, 18 सेंटीमीटर, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, 3/भुजा, भुजा 6 दिया, 70 × 18 किसका, समबाहु त्रिभुज का, ठीक। चलिए चौथा देखिए, आर, आर बराबर क्या, फॉर्मूला देखते रहिए, भुजा, भुजा कितना है, 6 है, तो 6/√3, 2√3 अब काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आया कितना, 3/√3, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन
जब नीचे रूट रहता है तो परमेकरण करते हैं, परमेकरण कर दीजिए रूट तीन से ऊपर रूट तीन से नीचे, तो हो जाएगा तीन रूट तीन, तीन गुणे रूट तीन, तीन रूट तीन बटे तीन, तो तीन से तीन कट जाएगा, आएगा कितना रूट तीन, कितना आएगा, ये आ गया आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलिए अब निकालता हूं मैं क्या पांचवा, पांचवा निकाल दें। चलिए कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या होता है, बटे रूट तीन, तो हो जाएगा छः बटे रूट तीन, परमीकरण कर दो हो जाएगा, परमीकरण करेंगे रूट तीन से ना, परमीकरण जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हो जाएगा छः रूट तीन, रूट तीन में रूट तीन, तीन हो जाएगा। कैसे, एक फार्मूला होता है बाबू, ये रूट ए गुणे रूट ए बराबर ए, ये फार्मूला होता है। अब तीन एक के तीन, तीन छः कट गया, आया आपका टू रूट थ्री सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया आपका, क्या गया आंसर आ गया। लास्ट देख लीजिए संबंध छठवां, इन दोनों में अनुपात क्या होता है, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है रूट तीन है, कैपिटल आर कितना है टू रूट तीन। आप बताइए रूट तीन से रूट तीन कटा, आएगा एक अनुपात दो ना, यही तो फॉर्मूला वही बताया था, ये तो फार्मूला भी बताया था हा? तो ये था आंसर। अब इस फार्मूले से अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ऊंचाई आ रहा है कितना तीन रूट तीन, अगर इससे निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा, अगर आपको ऊंचाई पता है तो इसका स्क्वायर बटे कितना रूट तीन, आप करेंगे क्या तीन त्रिकोण नौ, नौ गुणे तीन बटे रूट तीन, नौ गुणे तीन बटे रूट तीन। अब यहाँ से परमेयकरण कर देंगे, परमेयकरण जब करेंगे रूट तीन से ऊपर नीचे तो हो जाएगा नौ गुणे तीन रूट तीन बटे तीन, तीन से तीन कट जाएगा, आएगा नौ रूट तीन, ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से भी आ गया। कब, जब ऊंचाई पता रहेगी तब। देखिए दोनों आंसर वही आया है, दोनों आंसर वही आया है। तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा केवल ना, तो हम सब निकाल सकते हैं, कब फॉर्मूला याद रहेगा तब। वीडियो अच्छा लगा आपको, ये देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अभी इसमें और कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने पर तो ओवर महसूस होगा, लेकिन वैसे ओवर महसूस नहीं होने देंगे, सब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। चलिए तो अगर आपको समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।